सबसे पहले तो मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ कि आप जिस तरह से सबसे पहले तो मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ कि आप जिस तरह से 24 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। खान साहब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी अंदर भी इस चीज़ का जब हमारी मीटिंग थी तो जिक्र हुआ कि मीडिया ने जिस वक्त गोलियाँ चल रही थी तो मेरे साथ जितने भी मेरे यहाँ पे भाई खड़े हैं ये अपनी DS NGs के ऊपर और कुछ इनमें से हमारे साथ कंटेनर पे भी मौजूद थे, लेकिन सब अपनी पेशावराना जिम्मेदारियाँ और अपने सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको पूरा करते रहे। अब हम आज की जो सारी आपको पता है कि रात FIR और जो FIR दर्ज हुई उसको उसी वक्त ना सिर्फ हमारी पार्टी की क़यादत ने बल्कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, मैं खुद चूँकि पंजाब गवर्नमेंट की तर्जुमान भी हूँ, CM साहब की भी तर्जुमान हूँ, हमने बुरे तरीके से इसको रिजेक्ट किया और आवाम ने भी रिजेक्ट किया और जितनी भी आयन और कानून को समझते हैं एक्सपर्ट्स उन सब ने इसको मज़ेका खेज और एक रद्दी का टुकड़ा करार दिया और गैर आइनी करार दिया। और आज जितने भी हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो समझबूझ रखने वाले बाशऊर पाकिस्तानी हैं, वो सारे अफसरदा हैं। आज इंतहाई मैं कहूँ कि रात से हमारे सबके ऊपर एक सख्ता तारी है कि अगर इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को और मौजूदा सबसे बड़ी ताकतवर सियासी शख्सियत को अगर ये आइनी हक, जो कि कोई भी जो छोटे से छोटे गांव का नंबरदार, कोई दुकानदार, कोई रेड़े वाला, कोई रिक्शे वाला FIR दर्ज करा सकता है जब भी उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई हो, और उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी है उसके ऊपर FIR दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है, बिकॉज मेरा आइन ये कहता है। लेकिन इंतहाई अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे जो सियासी हमारे कायदीन हैं, जिन जिन की असैसिनेशन हुई या जिन जिन के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, ये तो अल्लाह का करम है और आप 22 करोड़ अवाम की दुआओं के सदके खान साहब बच गए, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और पाकिस्तानियों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता जो इनके शैतानी इरादे थे अगर उसमें कामयाब हो जाते तो फिर स्क्रिप्ट वो जो तोते ने बोला उसको पहले बताया हुआ था, और उसकी जो पहली, आज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जिसकी पहली स्टेटमेंट थी जो कि पहले से उसको रटवाई गई थी कि खान साहब के ऊपर अटैक करने के बाद जो अगर ये अपने गंदे गलीज इरादों में कामयाब हो जाते तो जो उसने उस वक्त स्टेटमेंट देनी थी उसने वही दी। उस तोते ने जो बोला उसने कहा खुदा ना खास्ता मैंने खान साहब को मार दिया है और मैंने इस वजह से मारा है। और फिर उसके बाद मैं तो हैरान हूँ इनके जो दूसरा स्क्रिप्ट राइटर, जिसको दूसरा नलायके आजम चेरी ब्लॉसम, उसको जो स्क्रिप्ट बताया गया था उसने भी वही बोला कि जिंदा इंसानों का कहाँ पोस्टमार्टम होता है, उसने भी वही स्क्रिप्ट बोला। अब इन लोगों का जो घिनौना खेल था वो आवाम के सामने आ चुका है और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि आवाम के सामने ये खुद लेके आए हैं कि जो जो इनकी प्लानिंग थी, सबसे पहले ये कि चार सूबों में जिनकी हुकूमत इस वक्त सेंटर में वफाक में जिनकी सबसे ज़्यादा सीट्स और सबसे पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर, अगर नंबर ऑफ वोट्स वोट बैंक के हवाले से अगर आप कंपैरिजन करें PDM की सारी जमातों के वोट बैंक के साथ, तो खान साहब का वोट बैंक ज़्यादा है। लिहाजा हम ये जंग लड़ेंगे, ये आयन और कानून की बाला दस्ती की जंग है, ये हकीकी आज़ादी है और इस हकीकी आज़ादी को अब हम ऐसे नहीं जाने देंगे। इसमें हमारे लीडर का खून भी शामिल हुआ है और हमारे वो 11। अच्छा, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकी जो वो तो हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर ये जो सीरीज और सीक्वेंस बताया के 6:02 के ऊपर गरीदा फारूकी के पास सबसे पहले वो रट्टू तोते की वीडियो कैसे पहुंची, फिर 6:03 के ऊपर सती को पहुंची, फिर 6:04 के ऊपर जियो और हामिद मीर, और फिर PTV के ऊपर जो 3 दिन की स्पेशल ट्रांसमिशन थी वो चलाने का मकसद क्या था। देखें, मजहब का रंग बीच में लाया गया, खान साहब के तो ऊपर ये टैग है जो कि सच टैग है कि वो बहुत मजहबी हो चुके हैं,
और वो हैं, वो ईमान वाले हैं। अल्लाह ताला जिसका दिल फेर दे और जिसको अपनी तरफ वो रुजू कर दे। और किसी दिन भी मैं जिस दिन लाहौर से हमारा लॉन्ग मार्च शुरू हुआ थ्रू आउट वजीराबाद तक कोई अजान का टाइम हुआ है कंटेनर के ऊपर, नजम शिराज ने अजान दी है, हम तो वहाँ पे दुरूद नाते और दुरूद शरीफ का कलाम, फिर कवालियाँ, ये सारा कुछ कंटेनर के ऊपर चल रहा होता है। लिहाजा आपने जो भी ये घिनौना खेल खेला था उसका ड्रॉप सीन आप लोग खुद लेके आए हो। और इखलाकी गिरावट का जो मैं बार बार इसका जिक्र करती रहूंगी जब तक मेरी माँ के बराबर है वो आजम स्वाति साहब के मिसेज, जब तक उनको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। अब हमारे मुल्क के अंदर ये खेल खत्म होने चाहिए, कभी एक की वीडियो कभी दूसरे की वीडियो। और एज ए नेशन हम ये इरादा और तहैया करें कि हमारा जितना मर्जी कोई सियासी मुखालिफ हो या जाति मुखालिफ हो, अब ये किसी को भी इस तरह की किसी की किरदार कुशी, किसी की वीडियो, किसी की ऑडियो का मामला आएगा तो हम एज ए नेशन उसको डिफेंड करें, और हम करेंगे, और हमने हमेशा, हमारे लीडर ने भी पहले किया। दूसरी बात आखिर में मैं ये करती चलूं कि लॉन्ग मार्च के ऊपर कल से बड़े ही ये बेवकूफाना किस्म के ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। कभी ये स्लिप ऑफ टंग से उम्मीदें लगा बैठते हैं, कभी हमारी प्लानिंग से, यानी कि इनकी सारी की सारी उम्मीदें अब हमसे हैं कि हम प्लान क्या करते हैं, हम आज निकलें कि हम कल निकलें। तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूं कि शाह साहब हमारी पार्टी में बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते हैं, और उनको बेसिकली खान साहब के पास हम लोग मौजूद थे जब ये डिसीजन हुआ, हमारे फोन बाहर थे, और उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से इंटैक्ट थी। पहला प्लान ट्यूसडे का था, और ट्यूसडे का भी लोगों में जो जज्बा गम और गुस्सा था कि हम फौरन खान साहब के बाद उसी जगह से स्टार्ट करें। ये खान साहब को, जब खान साहब हमेशा फीडबैक के ऊपर डिसीजंस करते हैं, खान साहब को वर्कर्स की तरफ से और लोकल वर्कर्स की तरफ से ये फीडबैक आई कि अगर हम एक दिन के डिले से करेंगे, क्योंकि सारे लोग मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लोग बिजी भी थे, तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि हम वजीराबाद से इसको फुल ताकत के साथ शुरू करना चाहते हैं। वो मैंने और फवाद साहब ने ट्वीट कर दी कि ये एक दिन मंगल की बजाय बुध को होगा, बुध को फिर ये हमारी बाकी तंजीम लीडरशिप, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, हमाद अजहर साहब, जब उनकी फीडबैक आई, हमारी एक प्रॉपर मीटिंग हुई कि बुध को मैच है, इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल है शायद, तो उस मैच की वजह से फिर हम इसको एक दिन आगे लेके गए। और जो थर्सडे है 2 बजे वजीराबाद से हमारा ये लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, इससे आपने उम्मीदें लगानी है, क्या सराइयां लगानी है, लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी लीडरशिप और हम सारे यूनाइटेड हैं, क्योंकि खान साहब इंशाल्लाह यहां से जमान पार्क से स्पीच करके वीडियो लिंक के थ्रू हमें ज्वाइन करेंगे, और बाकी लीडरशिप सारी इकट्ठी है यूनाइटेड, और हम कंटेनर लेके हर जगह पे जहां जहां खान साहब ने पहुंचना था हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और मेरा माओ बहनों बेटियों के लिए भी ये पैगाम है खान साहब की तरफ से कि ये हमारे बच्चों की बका की हकीकी आज़ादी है। इस हकीकी आज़ादी के पीछे जो हमें चाहिए था, लोग हमसे सवाल करते थे, ये जो सानिया हुआ वजीराबाद के अंदर उसने ये दीवार के ऊपर लिख दिया। अब किसी को कोई शक व शुबा नहीं है कि हकीकी आज़ादी क्यों चाहिए, सिर्फ 3, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस फॉर ऑल, और जमहूरियत एक्सरसाइज होती हुई नजर आए कि जमहूरी लोग अगर कोई आइनी और कानूनी ऑर्डर पास करें तो उसके ऊपर अमल हो जाए, उसको रोका ना जाए। और रोकने वाली कुव्वतों के लिए ये मैसेज है कि हमें अब अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना पड़ेगा, उसके अलावा पाकिस्तान में अब अमन नहीं आ सकता, बदअमनी बढ़ेगी, डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा, और एक दूसरे से के ऊपर कीचड़ उछालने के बजाय जब सब अपने अपने डोमेन में रह के काम करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और वो जानी ही है, अल्टीमेटली इसका हल यही निकलना है जो कि निकलेगा इंशाल्लाह। FIR दर्ज होती है, किस तरह हो सकता है कि आईजी पंजाब वजीर आला की इजाजत के बगैर FIR दर्ज करवा दें? इसका मतलब तो वजीर आला ने आपको चकमा दिया आपके कहने के बाद साहब की इजाजत के बगैर FIR दर्ज कराई, और दूसरा अभी महकमा दाखिला की जानब से GIT भी तश्कील दे दी गई इसकी इंक्वायरी के लिए, तो फिर ये हो क्या रहा है, एक तरफ आप इंक्वायरी भी दे रहे हैं, दूसरा तरफ आप अदालत से भी जाने का रजू कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं।
पहली बात ये कि हमें कोई सीएम साहब ने चकमा नहीं दिया, जो उनके साथ और हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो अलग नहीं है, उसको इकट्ठा देखें, वो एक ही तस्वीर है और एक ही चीज़ है। एक बात, ना उनकी गलती है ना उनको कोई ब्लेम करे। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये कि अदालत में जाना हमारा आईनी हक है और वो हम जा रहे हैं, उसके ऊपर हमारी मुशावरत भी हो रही है और हमारी सारी लीगल टीम इस वक्त सर जोड़ के बैठी है और हमने हर सूरत जाना है। जेआईटी की जहाँ तक बात है, बिल्कुल जेआईटी बना रहे हैं हमारे जो इंटीरियर डिपार्टमेंट है और उसको उमर चीमा साहब, लेकिन जैसे ही जेआईटी बनेगी उसके टीओआर और जो मेंबर्स हैं वो अभी चूंकि फाइनल नहीं हुए तो वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। ये बताइएगा एक कातिल जो है वो सामने आया जिसने फाइल की, उसने आपका बयान दिया और एक ये हम बारह बता चुके हैं, अभी फिर बता देते हैं कि इस सारे प्लान के पीछे राणा सनाउल्ला, शहबाज शरीफ और वो आर्मी ऑफिसर शामिल हैं। ये हम बार बार कह चुके हैं और अगर आप सीक्वेंस देखें, अगर आप शवाहिद देखें तो स्टोरी बोर्ड पूरा होता हुआ कौम को तो नजर आ गया, एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह आपको और आपके चैनल को भी नजर आ जाएगा। और राणा सनाउल्ला के बारे में तो आप क्या ही बात करें, कभी तो अल्लाह की शान के हमें उसने एंटर नहीं होने देना था, आज वो कह रहा है कि हमें एंटर होने दो, आज वो कह रहा है कि ट्रैफिक खोल दो, आज वो कह रहा है कि ये चंद लोग हैं। अगर चंद लोग हैं और आपने तो हमें करोड़ों रुपए के वो जो शेल्स और पता नहीं इतनी बड़ी भरपूर राणा साहब तैयारियां की हुई थी, घबरा क्यों गए हैं? जाओ ना खाली कराओ, आपका ये काम है 27 किलोमीटर की हिफाजत करना और आपकी नलायकी और नाअहली का ये आलम है कि आपसे 27 किलोमीटर क्लियर नहीं हो रही और आप आके एक हमारे चंद हमारे जो यूथ और कारकुनान जिनके आप उल्टे सीधे नाम लेते थे वो आपसे काबू में नहीं आ रहे। अभी हमने तो आना है, सोचो जब खान आएगा और जब हमारे लीडरशिप के काफले पहुंचेंगे तो फिर राणा साहब आपका क्या होगा? तो आपके लिए मैसेज है कि अपना बंदोबस्त कर लो, कोई हैली शैली तैयार रखो। अच्छा, सर ये बताइएगा कि जिस दिन हमला हुआ फौरन उसकी के चंद घंटों बाद एक वीडियो रिलीज होती है और उसके बाद सीएम साहब नोटिस देते हैं, पूरा थाना मुअत्तल कर दिया जाता, फिर हम देखते हैं रात को 3 बजे के करीब एक और वीडियो रिलीज हो जाती है इस सारी कार्रवाई के बावजूद, फिर FIR का मामला आता है, पुलिस अपनी मदैयत में मुकदमा दर्ज कर रही है, ऐसा लग रहा है कि पुलिस के ऊपर आप लोगों का या पंजाब हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं रह गया, पुलिस को कोई और कंट्रोल कर रहा है, क्या इसमें किस हद तक सदाकत, क्योंकि आप लोगों FIR भी उन्होंने अपनी मर्जी से दर्ज करी? नहीं, इसमें कोई भाव नहीं है। आप ये मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? ये तो ऐसा हुआ है, ये तो एक रियलिटी है, इसीलिए इसी की तो हम बात कर रहे हैं। क्या आप सोचें कि इस मुल्क में हमारे पास कितने इख्तियार हैं, आईनी और कानूनी हमारे पास जो कुछ है वो पोल हमारे सबके सामने खुल गया है और ये अच्छा हुआ है। एक लिहाज से अगर आप इसको देखें तो कोई कसर नहीं इन्होंने छोड़ी कि किसी को कोई गलत फहमी ना रहे। हमारी सबकी एज ए नेशन और एज ए गवर्नमेंट हमारी गलत फहमियाँ दूर करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।